क्रॉस कर चुकी है, सो कैसा फीलिंग है, कैसा फीडबैक है पहले विद्या मैम आता है? बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत खुश है जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारी मेहनत रंग लाई है, हमने बहुत प्यार से, ईमानदारी से, मज़े से ये फिल्म बनाई है, और बहुत ही साधारण लोगों की, मतलब एक परिवार की कहानी है ये, और सभी के दिलों को छू रही है। तो लोग हमसे ऐसी ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जिसे सुन के कभी कभी हम भावुक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इतने इतनी आम कहानी है, जो हमारा पूरा देश मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास की एकदम एक परिवार की कहानी है जिनकी 12 साल से शादी है, और मैं मतलब ऐसे हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो इतनी खुश हैं, उनके वो अशोक हैं, वो सुलू हैं, वो ऐसी नाचते हैं, वो ऐसी मस्ती करते हैं, वो छोटी सी प्रॉब्लम पे पूरा घर जो है हिल जाता है, और फिर कैसे वो साथ आता है, समेट लेते हैं एक दूसरे को। तो ये मुझे सुरेश डायरेक्टर की ये बात सबसे अच्छी लगी कि कोई भी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है पर उतनी छोटी भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उस प्रॉब्लम को लेकर अगला दिन खराब हो गया, ऐसा भी नहीं है, अगला दिन फिर सब ठीक हो जाता है, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आती है। तो जैसे आम जिंदगी है हमारी, उस जिंदगी की करीब की कहानी, और वही सब देख रहे हैं, जो जाता है वो बोलता है अरे तो मैं हूँ अशोक, तो मैं हूँ ये सुलू, तो मैं हूँ अरे मेरी माँ भी ऐसी है। तो इतनी इतनी ज़्यादा ऐसी फिल्म जो सबकी फिल्म है वो पहली बार हुआ है, और ये सब लोग खुश हैं इस बारे में। हमारे स्क्रीनिंग्स हुए, एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिन्होंने फिल्म देखी और जिनको फिल्म मज़ेदार नहीं लगी। हर एक ने कहा कि यार बहुत अच्छी फिल्म है, खुश हो गए, और यू नो फर्स्ट हाफ में बहुत हंसे, फिर आप लोगों ने रुलाया भी, पर फिर भी निकलते वक्त सब खुश लग रहे थे, और वही ऑडियंस से भी सुनने को आ रहा है, तो अच्छी बात है। सो बेस्ट पार्ट आई थिंक कि सारी टाइप की ऑडियंसेस को मूवी अच्छी लगी, हां कोई भी सिलेक्टेड नहीं थी, यूथ या कोई एज वाइज, एग्जैक्टली, हां जैसे ये कह रहे थे कि 8 से 80 सब देख रहे हैं फिल्म। वैसे मेरे जो बच्चे हैं, मतलब मेरी बहन के बच्चे जुड़वा हैं, वो 6 साल के, उन्होंने भी बैठ के फिल्म देखी और उनको भी काफ़ी जगह पे मज़ा आया। तो आई थिंक इसमें यू नो कोई जिस उम्र के भी हो आप रिलेट कर पाते हैं, आप जहाँ भी ज़िंदगी में हो, मतलब कि जिस स्टेज में भी हो, आप इस फिल्म से रिलेट कर पाएंगे। अनिता जी, नंबर्स में कितना बिलीव करती हैं आप, क्योंकि कहा जाता है कि इंडस्ट्री में 100 करोड़, 200 करोड़, लेकिन ऐसे ही छोटी फिल्म में भी अगर इतना अच्छा बिजनेस करे तो भी बहुत बड़ी बात है। आई थिंक 100 करोड़, 200 करोड़ का मैंने सोचा नहीं है, मुझे कभी फंडा समझ में भी नहीं आया, बिकॉज आपका जो रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जितना हमने पैसा डाला है उतना वापस आ गया, तो पहले स्टेप में आप कामयाब हो गए, उसके ऊपर अगर प्रॉफिट्स आते हैं तो फिर 4 चांद लग जाते हैं। तो ये हर फिल्म 100 करोड़ शायद नहीं कर सकती, शायद उससे आगे भी कर सकती है। मैं रिव्यू के टाइम पे भी पब्लिक ने कहा है कि ये मिडिल क्लास को बहुत ही रिलेट करती है, बहुत सारी मूवी आती है पर टच नहीं कर पाती, पर ये लोगों को टच कर रही है मूवी, ऐसा कमेंट सुन के कैसा महसूस कर रहे हैं? यही लगता है कि यार ये आदमी सुरेश त्रिवेणी जो है जादूगर है, आप उनको बोलने दीजिए कि कैसा लग रहा है। विज्ञापन की दुनिया में साबुन तेल बेचता हूँ, यहाँ पे उसमें भी मजा आता है, ये मेरे लिए पहली बार, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं ना, एक से एक बैठे हैं दिग्गज, सो इस टाइप का रिएक्शन चाहता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चाहता था कि क्योंकि इतने पैशन से बनाई है, इतने प्यार से बनाई है, चाहता था कि लोगों को पसंद आए, और अभी जब मैसेजेस आ रहे हैं, मैं क्रिटिक्स के बारे में नहीं बात करूँगा, मैं इंडस्ट्री के बारे में बात करूँगा, मैं नौसिखिया हूँ, लेकिन जब लोगों तक ये फिल्म जा रही है और जो मैसेजेस आ रही हैं वो इट्स अनबिलीवेबल, और मैं इस फेस में थोड़ी देर रहना चाहता हूँ। एंजॉय मैं तो चाहता था कि कुछ थोड़ा सा नेगेटिव दिखाऊं, इनके सामने हुआ नहीं मुझसे। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, नहीं ये बड़ी किस्मत वाली बात है कि मैं अपने घर में अपने मिरर में खुद को देख के बोल सकता हूँ मैं कर सकता हूँ यार, मैं भी कर सकती है। बट वो
बट आपका कहना अलग बात है, लेकिन लोगों का देखना आपके अंदर वो गुण कि आप वो डिलीवर कर सकते हैं, ये आपको एक स्पेशल आँख चाहिए उसके लिए। मैं वेट कर रहा था 1.5 साल टिंग, टिंग। और ये स्पेशल आँख इन दोनों की थी जिन्होंने सबसे पहले टिक किया, अप्रूव किया कि ये कर सकता है। एंड जेन्युइनली जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उसमें वो लाइन पढ़ी कि मेरा पति तो गाय है और मैंने कहा कि मैंने अभी तक कायपोचे की है, वजीर की है, अभी गाय कैसे हो जाऊंगा तो? और ये इनका जादूगरी है कि सच में मैं गाय हो गया था और वो सब उस बात पे काफ़ी हंसते भी हैं कि हाँ वो तो अशोक तो गाय है। Actually, हमारी खोज जो थी वो थी संजीव कुमार की। तो जब हम बात कर रहे थे कि अशोक का रोल कौन करेगा, तो यू नो somebody said in the meeting कि आइडियली अगर संजीव कुमार साहब अगर होते तो उनको कास्ट करते। तो हमने नंदिनी से कहा जो हमारी कास्टिंग डायरेक्टर है कि लुक फॉर द नेक्स्ट संजीव कुमार, तो टिंग आ गए मानव को। मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो हर फिल्म में मैं यही करती। ये कोई फॉर्मूला नहीं होती मेरे ख्याल से। यू नो कभी कभी वो मैजिक हो जाता है जब सब कुछ हर चीज़ का एक किस तरह से मैं कहूँ ईमानदारी से प्यार से अगर आप फिल्म बनाओ तो मुझे लगता है कि फिल्म अच्छी निकल के आती है। पर सबका ईमानदार होना और सबका इसमें प्यार के साथ काम करना ज़रूरी है, सिर्फ एक इंसान करे तो फिर वो बात नहीं बनती। तो ये अंबिका जी आप सभी से रिएक्शन जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से फिल्म इतनी लोगों को पसंद आ रही है, हमने देखा फिल्म बहुत ही अच्छी, स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी, लेकिन फिल्म कहीं ना कहीं हमने देखा कि फिल्म ऑनलाइन भी आ चुकी है। हम लोगों को ट्रेनों में और मोबाइल पर हमने फिल्म को देखा है, लोग फिल्म को देख रहे हैं। बहुत दुख होता है, मुझे तो गुस्सा भी आता है कि क्यों हम यू नो मैं लोगों से कहती रहती हूँ कि मत देखिए ना उन प्लेटफॉर्म्स पे, 8 हफ्ते बाद बाकायदा टीवी पे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जब रिलीज होगी तब देखिए फिल्म। अब मजा है कि आप थिएटर में जाके देखिए। मेरा ये मानना है कि जो लोग किसी भी मूवी को ऐसे इलेजिटिमेटली या इलीगली देखते हैं वो रियल लाइफ में सिनेमा के अप्रिशिएटर्स नहीं हैं, क्योंकि अगर आप सिनेमा के सही कंज्यूमर हो, अगर आप सिनेमा के सही लवर हो, देन यू विल गो टू द बिग स्क्रीन एंड वॉच द फिल्म। जैसे कल मुझे किसी ने मैसेज किया और एक ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में, और उनको आई गॉट रियली एंग्री, उन्होंने लिखा कि मैंने तुम्हारी फिल्म जो है ना देख ली, डिजिटल में देखी, फ़ोन पे देखे, बोलो अपनी इंडस्ट्री वालों को थोड़ा सेफ्टी में, बोला तुमने देखा क्यों पहली बार। और हाँ। दूसरी बार मेरे को इस बात से ये आता है कि हम हमेशा कंप्लेन करते हैं एज ऑडियंस एज पीपल कि यार अच्छी फिल्में क्यों नहीं आ रही, अच्छी फिल्में क्यों नहीं, जब तो अच्छी हम बनाने की जिम्मेदारी तो है हमारी। मैं भी एक ऑडियंस हूँ, मैं बनाता हूँ फिल्में, लेकिन हम सब ऑडियंस हैं, कंज्यूमर हैं, लेकिन देखने की जिम्मेदारी भी बनती है। अगर आप ऐसी फिल्मों को अगर आप मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं उससे बड़ा इनजस्टिस हो ही नहीं सकता। फिर आप एक्सपेक्ट मत करिए कि अच्छी फिल्में कैसी आएंगी, वो सब वो कमर तोड़ देती है इंडस्ट्री की। नहीं, जस्ट इन द मेकिंग ऑफ दिस मूवी टोटल नंबर ऑफ आर्टिस्ट एंड टेक्निशियन मस्ट बी 1000। सो 1000 लोग हैं यू नो जिन्होंने इस पिक्चर पे काम करी है, उनके घर हैं, उनके यू नो बच्चे हैं घर पे, इट्स एन इंडस्ट्री। उसके आगे देयर इज द डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स एंड इट्स अ सेकंड सेट ऑफ इंडस्ट्री। इट्स वेरी इरिस्पॉन्सिबल टू डू दिस। तो अभी है पायरेसी, ईच टाइम वी गेट अ नोटिस वी टेल टी सीरीज एंड दे टेल देयर पीपल और रोकने की कोशिश है, बट इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो आई थिंक जैसा सुरेश ने कहा, अगर मैं कभी देखता नहीं, यू नो इफ इट्स इलीगल आई डोंट वॉच इट पीरियड। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, इलीगल तो है ही बट एट अ मॉरल लेवल इट्स रॉन्ग। मैं एक बात बताऊँ, ऐसी फिल्में जो है अगर आप ऑडियंस के साथ एक खचाखच भरी हुई, मैं गया था लास्ट वीक एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि एक हाउसफुल था, जब लोग साथ में हंसते हैं, जब लोग साथ में रोते हैं, जब लोग साथ में एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सपीरियंस कभी भी आपको एक छोटे से मीडियम में नहीं आ पाएगा। इससे बड़ी बदतमीजी कुछ नहीं है, मैं यही बोलूँ। क्या रे
आओ थिएटर में आ जाओ और देखो, हम सबसे मिलो, आपको हम बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि हम अच्छे हैं, हम तो ऐसे ही। और अगर आपने एक बार मूवी देखी है, मैं गारंटी देता हूँ अगर दूसरी बार देखेंगे आपको ऐसी ऐसी चीजें पता लगेंगी फिल्म में जो आप मिस कर गए थे, तो अगर आप एक बार देखिए दूसरी बार ज्यादा मजा। हाँ एक्चुअली मैं बोलना ही चाहती थी, मेरा ना मन हो रहा है आपसे फिर से मिलने का, आ जाओ ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।